न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि राजस्थान का पिछला आंकड़ा हमको याद है, 25 की 25 सीटों का जो है वो हमको हिसाब किताब याद है, 2019 का सारी बीजेपी के पास गई थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को क्या खबर है? राजस्थान में बीजेपी को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 207 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है इस मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी राजस्थान में आने के लिए कोई जगह नहीं, दो दलीय व्यवस्था जिस तरह से पुनीत ने आपको समझाया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा की सीटें हैं दो, और गोवा की दो सीटें क्या बता रही हैं? गोवा की दो सीटों पर पिछली बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एक आंकड़ा था गोवा का, लेकिन बीजेपी को यहां देखिए अभी भी जो अनुमान है ये एग्जिट पोल है, और ये कांग्रेस के खाते में एक सीट जा सकती है, बीजेपी के खाते में एक सीट जा सकती है, गोवा का अनुमान यही कह रहा है, न्यूज 18 का एग्जिट पोल यही कह रहा है। तो मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में स्थितियां लगभग 2019 के तरह, दो सीटों का एग्जिट पोल, एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोवा की अगर बात कर ली जाए और इस तरह से ये जो जानकारी की टैली है आपके सामने, न्यूज 18 पोल हब, लोकसभा चुनाव 181 से ज्यादा, 543 में से 181 के पार, हम आपको सीटें बता चुके हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र की बात कर ली, गोवा की बात कर ली, दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर ली, अब गोवा की बात कर रहे हैं, दो सीटों का एग्जिट पोल, एक बीजेपी के खाते में एक कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और शायद पुनीत यही वजह है कि अगर हिंदी हार्टलैंड में नॉर्थ में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अगर वाकई चमत्कार बीजेपी के लिए कहीं से होता है तो वह है दक्षिण भारत। बिल्कुल, वो दक्षिण भारत है, और इसीलिए दक्षिण भारत को समाहित करते हुए अभी 181 का जो हम डेटा निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि क्या क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अनुमान है और चर्चा जो है वो हम लगातार जारी रखने वाले, हमारे साथ खास मेहमान जो है वो लगातार जुड़े हुए बने हुए हैं और उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्योंकि राय सबकी जानना जरूरी है, लोगों की राय जानी, लोगों की राय जानकर लोगों को हम बता रहे हैं, और उनके साथ हमारे साथ राजनीतिक दलों के लोग, विश्लेषक, तमाम लोग मौजूद हैं, जानकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। परसेंटेज मध्य प्रदेश का परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 59% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस के खाते में 32% वोट जा सकता है। अब वोट के हिसाब से इसे समझिए, मध्य प्रदेश में जैसे हमने कहा ना कि एक सीट की स्थितियां इधर से उधर वाली थी, अब अगर वोट परसेंटेज देखा जाए, मध्य प्रदेश के वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस को 32%, यानी कहीं ना कहीं नुकसान, अन्य के खाते में 9% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, और पिछली बार की तुलना में बीजेपी यहां हल्का सा आगे। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकते हैं। पिछले बार की हिस्ट्री क्या रही है वो पुनीत अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे, कांग्रेस 43% के आसपास, अन्य के खाते में 5%। पुनीत पिछली बार क्या था? बीजेपी 50%, 9 सीटें जीती थी, 50.70% बीजेपी के पास जो है वो वोट परसेंटेज गया था, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस 2 सीटें जीतकर 40.91% कांग्रेस ने वोट शेयर हासिल किया था। छत्तीसगढ़ में वोट शेयर बढ़ सकता है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीटों की हमने बात कर ली, देखिए सीटों की गुंजाइश अलग है, वोटिंग परसेंटेज आपको समझ लेना अलग है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सारा खेल पार्टियों का इसी परसेंटेज पर रहता है। लेकिन दिलचस्प क्या है, छत्तीसगढ़ में पिछली बार बीजेपी को 50 के आसपास मिला, 2% का इजाफा दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस को 40 मिला था पिछली बार, 40.91 यानी कि 41 के आसपास, ठीक है, लेकिन इस बार 43, यानी कि वोट शेयर कांग्रेस का भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछली बार के मुकाबले इस बार, और अन्य को भी 5% वोट का अनुमान जताया जा रहा है, खासतौर पर बस्तर में जो लेफ्ट जो है वो खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, तो उनको 5% के आसपास ये वोट शेयर जा सकता है। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बन रहे हैं, उनके जरिए हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, कांग्रेस को 43% वोट का अनुमान छत्तीसगढ़ में, पिछले बार से ज्यादा बढ़ता हुआ, अन्य के खाते में भी वोट परसेंटेज जाते हुए नजर आ रहे हैं, 322 का हिसाब किताब आ गया ललित, 322 का हिसाब किताब आ गया, 322 543 में से 322 में 196 से
205 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के पास 92, 101, दोनों के बीच में भी झूल रहा है, लेकिन ये 322 का आंकड़ा है अभी, और राज्य के और सीटों का, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश पुंज पांडे वो भी आपको नजर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, जीत और लीड, सारी चर्चाएं फिर हमने जीत और लीड पे की। देखिए प्रकाश पुंज पांडे साहब का चेहरा, दरअसल इनका ही वो आर्टिकल था जीत और लीड की बात को लेकर। सबसे पहले चलिए पांडे साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। एग्जिट पोल हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, दक्षिण में बड़ा जादू ही इसे कहना चाहिए होता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी राज्यों के आंकड़े में हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी। आपका एक क्विक कमेंट पहले। देखिए एनडीए को साउथ से और नॉर्थ ईस्ट से एक बोनस पैक मिलने वाला है, जो कि उसे जहां पे सीटें कम होंगी वहां उसकी भरपाई होगी। ये जो बोनस पैक है ये इस लीड की मार्जिन को बढ़ाएगा। देखिए एनडीए की सरकार तो बन रही है, इसमें कोई चिंता कोई दो राय कोई दो मत नहीं है, लेकिन अब देखना है कि ये आंकड़ा कहां तक पहुंच रहा है। मेरा अनुमानित है कि 360 प्लस या माइनस 10, ये कहीं ना कहीं एनडीए को इस समय सिचुएशन रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि 50-52% तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 55% के आसपास बीजेपी की वोट शेयरिंग होगी, 40 के आसपास कांग्रेस की वोट शेयरिंग होगी, और अन्य के खाते में 2-3% जाने की उम्मीद है। ठीक ठीक, वोट शेयरिंग अभी भी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी रहेगी, वो भी कांग्रेस का वोट बैंक। गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनका नाम तभी नहीं बता पाया था। गोयल सर बहुत क्विक रिएक्शन, ये जो अभी तक हमने अलग अलग राज्यों की स्थितियां बताई, क्विक रिएक्शन, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए बड़ा स्पष्ट है, भाजपा जो एनडीए है पूर्ण बहुमत की तरफ, भारी बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया था कि नॉर्थ में हाफ और साउथ से बीजेपी साफ एनडीए साफ, तो वो उल्टा हो गया है। साउथ में हाफ हो गई है बीजेपी एनडीए, और नॉर्थ से मुझे लग रहा है जो एनडीए के जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और बहुत कम उनका सीटें वहां से निकलेंगी। जी जी ठीक है। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी क्या कहेंगे ये एग्जिट पोल के जो डेटा आ रहा है, जो अनुमान आ रहा है, खुश तो आप जाहिर तौर पर बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, और मेरा यह मानना है कि देखिए ऐसे आंकड़े नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 48-50% जरूर मिलेंगे, और यहाँ सीटें भी बढ़ेंगी कांग्रेस की, भाजपा से ज्यादा सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में भी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को। वो ओवरऑल में मेरा ये मानना है कि देखिए सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को जनता समझ चुकी है और उस पर मतदान की है। यह आपका एग्जिट पोल है, ठीक है, आपने एक अनुमान लगाया है, लोगों ने अनुमान लगाया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, बहुत सारे पोल इस बात को कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सही हो, आपका एग्जिट पोल जरूर है, ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंकड़े इसके थोड़े से उलट होंगे जो आप लोग दिखा रहे हैं। आपका आकलन क्या है, आप क्या क्या मान रहे हैं आप? क्योंकि हम तो अपना बता रहे हैं, आप भी अपना बता दीजिए। जीतेंगे छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर, हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी ज्यादा होगा, और दूसरे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होगी एनडीए संख्या। लेकिन अनिल सिंह चौहान फिर भी नहीं बता रहे, गठबंधन लगभग जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 280-285 सीटें 90 सीटों तक जीतकर सरकार में आएगी। ठीक है, तौकीर रजा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देखिए अब मुस्कुरा भी रहे हैं, आज तो गमछा भी एकदम कलफ किया हुआ लग रहा है, चमचमाता हुआ। तौकीर रजा साहब रिएक्शन। देखिए ऐसा है कि ये बातें बस अंधेरों की और बातें उजियारों की करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बातें जो कर रहे हैं हवा हवाई है,
आपको बता दूं 400 का जो आंकड़ा हमने रखा था, हम 400 का आंकड़ा 400 की सीट आराम से पार करेंगे। अभी तो आने शुरू है साहब, आप देखिए, देखते जाइए, आराम से हम पार करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप ये बता रहे कि छत्तीसगढ़ में जनता ने इनको कांग्रेस को पूछा था, भाई साहब मोदी की गारंटी की, मोदी जी की गारंटी में हमने विधानसभा चुनाव जीता है, अब मोदी जी की गारंटी में हम लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे यहाँ पर। हम पूरी कितनी कमी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेताओं की, वहां पे भी मोदी जी की गारंटी लगानी पड़ रही है। तौकीर साहब बिल्कुल, मोदी देखिए ऐसा नहीं, बात यह है कि मोदी जी की गारंटी के रूप में चुनाव लड़ा गया था यहाँ पर और हमने जीता था विधानसभा, और सम्माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आ जाई, और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने इन 5 महीनों में जो काम किया, और मोदी जी की जो, मोदी जी ने जो पूरे देश में 10 वर्षों में जो काम किया, जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, जो 60 वर्षों में जो इन्होंने भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की गर्त में पहुंचा दिया था, वैसे 5 साल में छत्तीसगढ़ को भी गर्त में पहुंचा दिया था। इन्होंने विकास नहीं किया, राजस्थान से सीटें खिसक भी रही हैं। देखिए कुछ जगह सीटें अगर कम हो सकती है तो आप ये बताइए, साउथ का आंकड़ा जाकर बिहार से सीटें खिसक रही हैं, साथ ही साथ हम उड़ीसा में पड़ रहे हैं, उड़ीसा में हम 14 सीटों का ही अभी पहले तीन उसका ही आया, लेकिन वहां से भी सीटें खिसकती हुई नजर आ रही हैं। पहले 39-1 था,